मकसद अरबी जबान का लफ्ज है और कसद से माखूज है, जिसके मायने हैं किसी चीज की तरफ मुतवज्जा होना, किसी चीज की तरफ जाना। और ठीक उसी तरह आदमी जिस चीज को अपना मकसद बना लेता है तो फिर उसकी तरफ मुतवज्जा और उस राह पर गामजन रहता है। अहले अकल के लिए महताब मुनव्वर की तरह ये हकीकत आया है कि जमीन व आसमान और जो कुछ इसमें है, इन सब का कोई ना कोई मकसद जरूर है। पानी मादा सयाल है, तो क्या सिर्फ पीना ही इसका मकसद है? मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब तक बर्क रफ्तार से चलती हवाओं का सिर्फ तेजी से चलना ही मकसद है? दरख्तों, पौधों, फूलों और फलों का जमीन से उगकर वक्त मुकर्रर पर मुरझा जाना ही मकसद है? बर्फ पोश पहाड़ों और तपते सहराओं के सिर्फ हरारत पहुंचाना ही मकसद है? बुलंद फिजाओं में तैरते परिंदों की उड़ान ही मकसद है? फूलों से भरी वादियों और कांटों से पटी खारदार झाड़ियों से सिर्फ फूल और कांटों की कसौटी समझना ही मकसद है? मशरिक से उभरते सूरज और मगरिब में गायब होते चांद को सिर्फ तुलू और गुरुब ही होना मकसद है? नहीं, बल्कि इनके मकासद और भी हैं और लामनता ही हैं। सोचिए और फिक्र कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम मकसद पर जिंदगी गुजार रहे हैं या मकसद से हटकर? अगर जवाब अजबात में मिले तो बारी ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसी मकसद को मद्देनजर रखकर तरक्की के जीनों पर चढ़ते जाएं। और अगर जवाब नफी में है तो रहमत इलाही से मायूस मत हो, बल्कि अभी से अजम मुसम्मम के साथ अपने मकसद के लिए कमर बस्ता हो जाएं, माजी और हाल पर तौबा करें, उससे सबक सीखें और मुस्तकबिल को नेक इरादों से रोशन करें, क्योंकि यही हमारा मकसद है। इस दुनिया में हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा जरूर होता है। इंसान का एक कदम भी बिला मकसद नहीं उठता। पहले इंसान दिल में किसी मकसद का तायुन करता है, फिर उसके हुसूल के लिए सरगर्म होता है। यही जिंदगी का हुसूल है। अब वो इस सरगर्मी में बहुत से रास्ते और तरीके अख्तियार करता है और मुख्तलिफ आफाल सर अंजाम देता है, लेकिन किसी भी रास्ता, तरीका या फाल का इंतखाब करते वक्त वो अपने मकसद को पेश नजर जरूर रखता है। तो क्या उसने अपनी जिंदगी के मकसद को याद रखा या भूल गया? ऐसे मुसाफिर की तरह जिसको कभी मंजिल नहीं मिलती। हम समझते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, किसी को भी खुदा ने बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। पहले जमाने में ये ख्याल था इंसानी जिस्म के अंदर बास चीजें ऐसी हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज साइंस ने साबित कर दिया है कि इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बेमकसद नहीं। बस जिस आलम में छोटी से छोटी चीजें भी हैं बगैर मकसद के नहीं है, तो कैसे मुमकिन है कि खुद इंसान, जिसमें हम अशरफुल मखलूकात समझते हैं और सबसे अफजल बरतर समझते हैं, वो बगैर किसी मकसद के दुनिया में आया हो? यकीनन इसके दुनिया में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। हमारे लिए इस मकसद को समझना बहुत जरूरी है जिसके लिए खुदा ने इंसान को खल्क किया है। मकसद को समझ लेना ही 100% कामयाबी नहीं, बहरहाल मकसद का समझ लेना कामयाबी की तरफ कदम जरूर है। हम अमूमन ये मिसाल देते हैं कि एक बा मकसद और एक बे मकसद शख्स, दोनों की हरकत और सकनात में वाज़े तौर पर फर्क होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, एक आदमी सुबह सवेरे उठता है और अगर 7 बजे उसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इदारे में पहुँचना है, तो ये शख्स नाश्ता करके जब घर से चलता है तो उसे अपने लिए टाइम मुतय्यन करना होता है कि इतने बजे मुझे घर से रवाना होना है, और फिर घर को मतलूबा जगह का फासला उतने मिनट में तय होगा, तो ये शख्स जल्दी से चलता है और अपने रास्ते की तरफ जाता है। रास्ते में फजूल खड़े होकर बात नहीं करता और वक्त पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इसके मुकाबले में दूसरा शख्स जो सुबह उठता है, बेमकसद घर से निकलता है और इधर उधर देखता है किस तरफ चलूं, उसी सोच में इसका कुछ वक्त गुजर जाता है। फिर उसके बाद वो एक तरफ रुख करता है, अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो या कोई चीज पड़ी हो तो उसे ठोकर लगाता है, कभी पत्थरों के साथ खेलता है तो कभी रास्ते में किसी और चीज के साथ, कभी किसी दुकान के सामने खड़ा होता है, फिर दुकान के अंदर जाकर देखता है कि उसके अंदर क्या रखा है, और यूं ही वो 7-8 घंटे जाया करके आ जाता है। आखिर में समझता है उसने कोई काम नहीं किया। आप जिंदगी में भी उन आदमियों को मद्देनजर रखें। एक आदमी जो समझता है कि मैं किस मकसद के खातिर इस दुनिया में आया हूँ, मेरे सामने एक मकसद है और मैं उस मकसद की तरफ रवा दवा हूँ, जो काम इस मकसद से मखल होता है या उस मकसद से रोक ले तो मैं ऐसे काम से इज्तनाब करता हूँ। हर वो चीज जो मुझे इस मकसद तक पहुँचाने में मददगार है, मैं उसका सहारा लेता हूँ। उसके मुकाबले में दूसरा शख्स जिसके सामने मसलन कोई हदफ व मकसद ना हो, अगर हो भी तो ज्यादातर जही मादा मकसद हो, तो वो शख्स ये नहीं देखता कि ये काम जो मैं अंजाम दे रहा हूँ उससे मेरी जिंदगी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। उसे वक्त का हरगिज कोई ख्याल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला का शाहकार बनाते हुए उसे बेशुमार जाहिरी और बातनी सलाहियतों से माला माल फरमाया।
اسے ایک سوچنے والا دماغ اور دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا، اسے غور و فکر کرنے کی منفرد صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر حصول علم کے لامحدود دروازے کھول دیے۔ فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کی بنیاد بھی علم کو ہی قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ علمی ورثہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا اور ہر زمانے میں غور و فکر کے ذریعے اس ذخیرے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صدیوں پہلے انسان نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی فطری صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ کائنات کی تخلیق، اس کے مختلف مظاہر اور خود انسانی وجود کے حوالے سے بے شمار سوالات تھے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے۔ انسان نے ان پر غور کرنا شروع کیا اور سوچ و بچار کے نتیجے میں نئے نئے علوم وجود میں آئے۔ پچھلی نسلوں کے تجربات مشاہدات اگلی نسلوں کو منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے دن میں علم کے نئے نئے زاویے اشکار ہوتے چلے گئے۔ ان تمام انسانی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں جو علم معرض وجود میں آیا اسے سائنس کا نام دیا گیا۔ جیسے جیسے علم میں پھیلاؤ آیا تو پھر علم کی تقسیم شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے علم کی سینکڑوں شاخیں معرض وجود میں آ گئیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنی نفس کو مار لیا تو پھر ان میں یہ روحانی قوت یا روحانی طاقت کی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کوڑ والوں کو ٹھیک کرتے تھے، اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قوت موجود تھی، جس کی کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثلاً انگلیوں سے پانی نکالنا، لعاب دہن سے زخموں کو ٹھیک کر دینا، یہ سب اللہ کی طرف سے برقی قوت کی لہریں تھیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سب دوسرے بزرگ جنہوں نے مختلف سلسلے شروع کیے، ان میں اپنی کشش تھی جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تھی۔ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ مرد یا عورت میں جب یہ خوبی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایسے انسانوں میں در حقیقت ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرنے، اللہ کی عبادت اور نیک کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ قوت اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو بطور تحفے میں دیتا ہے۔ ہم جو کچھ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے پانے کی پہلی شرط ہے مانگنا۔ مانگنے کا مطلب ہے اس کی ایک سچی آرزو اور خواہش دل میں پیدا کرنا، پھر وقتاً فوقتاً اس کے متعلق سوچتے رہنا۔ علم مقناطیسیت کا کہنا ہے کہ جس طرح زمین کے اندر کشش ثقل کا قانون ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح اس کائنات میں قانون کشش بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری سوچیں وجود رکھتی ہیں اور ہم جس چیز یا جس حالت کو پانا چاہتے ہیں اس کے متعلق جاننے سے قانون کشش کے ذریعے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کائنات کا خود کا نظام انہیں ہمارے لیے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک سچی آرزو اور خواہش کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پانا کیا چاہتے ہیں۔ اگر معلوم ہی نہیں تو آئیے ڈاکٹر صمد کے پاس، آپ کی کامیابی نزدیک ہے۔